जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आनंद में रखें, बस मेरी यही दुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे उपाय की कि जिस उपाय को करने के बाद आपको बिना मांगे सब चीज़ें मिलेगी। यह उपाय बहुत यूनिक है, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इस उपाय की एक यह भी खासियत है कि यह कई सारे जातकों ने इस उपाय का प्रयोग किया है, और उस प्रयोग के फ़ायदे के बाद मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें सबसे पहले तो, जिनका विवाह नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा है हमारा, या किसी लक्ष्य के लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं वो हमारा नहीं हो पा रहा है, चौथा कोई काम हमारा नहीं बन पा रहा, पाँच वह घर में क्लेश रहता है, छठवां स्वास्थ्य संबंधित हमें शिकायतें होती है, और सातवां है कि मन नहीं लगता, तनाव और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो ये जो मैंने बातें कही हैं, इन सभी लोगों पर ये उपाय बहुत हद तक कारगर है, बहुत हद तक उन्होंने किया इसका प्रयोग और उन्हें फ़ायदा हुआ। तो ये उपाय को कैसे करना है और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतना है, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वो उपाय कौन सा है। लेकिन हम हमारी बात को आगे बढ़ाएं और चीज़ें बताएं, उससे पहले छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे, और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। उपाय में दरअसल करना ये है कि आप अपने इष्ट देव का मंत्र का ले लें। अगर कोई मंत्र नहीं है, देखिए इष्ट का मंत्र कैसे लेना ये भी आप जाने, अगर कोई मंत्र नहीं है आपके पास तो मैं आपको सजेशन करता हूँ ओम नमः शिवाय ले लें। ओम नमः शिवाय जो जप है वो कंटिन्यू आपको करना है। इसमें ये ना करे कि इस वक्त ना करना है, उस वक्त ना करना है, या अभी ना करना है तब ना करना है। इसमें आलसी भी आती है और इसमें मन नहीं लगता है। कई बार हम कुछ सकारात्मक काम में ऐसे फंस जाते हैं कि इस उपाय को हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उपाय है इसमें सतत मंत्र जप करना है, अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का सतत जप करना है, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ आपको अपने गुरु या इष्ट मंत्र का जाप करना है। आप जैसे जैसे इसका जाप करेंगे इसका फ़ायदा आमतौर पर 7 से 8 दिन में आपको दिखाई देगा, आपका मन खुश रहेगा, आपके काम बनेंगे, आपका आत्मविश्वास बनेगा, आलस्य दूर हो जाएगा, और कई सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आपके इर्द गिर्द आप खुद महसूस करेंगे। ये एक बहुत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस मंत्र का जाप करें, इसके अलावा ईश्वर से सिर्फ यही कह के हे ईश्वर आपकी कृपा रखें, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सब दयालु है।